हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 4.3% हिस्सा रखने वाले पर्यटन कारोबार पर संकट के बादल मंडरा रहे। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर चिंता जाहिर की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार असंगठित है। इस कारोबार के असंगठित होने की वजह से पर्यटन कारोबारियों को लगातार नुकसान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन कारोबारियों को नई सरकार से नई उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मकता दिखाई है। वे सभी लोगों के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। साल 2020 से और साल 2021 में पर्यटन कारोबार कोरोना की वजह से प्रभावित रहा और पर्यटन कारोबार अपना क्षेत्र असंगठित होने की वजह से एक बार फिर नुकसान की आशंका जता रहे। ऐसे में सरकार के सामने पर्यटन कारोबारियों को राहत देने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री की इस विभाग में निजी दिलचस्पी भी है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को सुख सुविधा देने की बात कही थी। ऐसे में अब पर्यटन कारोबारियों को भी नई सरकार से नई उम्मीद है। टूरिज्म के अंदर जो है कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ द स्टेट, और डेफिनेटली परेशानियाँ तो हैं, वो हमको आपको कई बार अवगत करा चुके हैं। और अभी नई सरकार बनी है और हमने एक शिष्टाचार भेंट की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, और उनकी जो अप्रोच टूरिज्म है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द होटल इंडस्ट्री। तो प्रॉब्लम्स जैसे अब आप देखते हैं अभी दिसंबर के सीज़न में, और कभी भी जब नए सीज़न लगने लगता है उससे पहले कई तरीके की एडवाइजरीज निकाल दी जाती है, जिसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है और उसका जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है, रिजर्वेशंस कैंसिल होती हैं। इतना ही नहीं है, और कई समस्याएं हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि शिमला में जो टूरिस्टों की स्टे है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, वो केवल एक दिन तक रह गई है, उसको भी कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर सोचने का विषय है। और कुछ ग्रास रूट लेवल पर पब्लिसिटी करने की आवश्यकता है ताकि जो पर्यटक शिमला आए या हिमाचल आए उनको हर डेस्टिनेशन के ऊपर क्या कुछ करने को है, क्या अट्रैक्शंस है, क्या देखने को है, उसकी उसको पहले ही उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी एक और समस्या जो हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि टूरिज्म इज़ गोइंग इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। बड़ा एक ठीक काम नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है अगर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से आप उसको हैंडल करेंगे तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टूरिस्ट डे प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं, वो उसका कई राज्य एडवाइजरी मैंने आपको बताई, या वो क्यों नहीं आना चाहते यहाँ पर, और उसका शायद लैक ऑफ पब्लिसिटी की भी कारण हो सकता है। तो हमें जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हिमाचल में टूरिस्ट रहे और शिमला डेस्टिनेशन में टूरिस्ट रहे, उसका लाभ जो है वो होटल इंडस्ट्री को भी होगा, जो कि बिल्कुल अभी तो डूबने के कगार पर आ चुकी है, और इसके साथ साथ जो है हमारी सरकार को भी जो है राजस्व मिलेगा, जिससे कि हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। ये सारे बिंदुओं को लेकर हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करके बड़ी जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट कर उनको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराएंगे, और जो भी हमारे सुझाव होंगे जिससे कि हमारी इकॉनमी भी स्ट्रेंथन हो हमारी स्टेट की, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो भी ऑन द होल दोबारा ट्रैक पर आ जाए, इसके लिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं रोडमैप। जो ही वो तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इमीडिएटली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे और उनके समक्ष ये सारी जो हमारी समस्याएं हैं उनको भी रखेंगे और सुझाव भी देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द बज जल्द इन चीज़ों को इस पर अमल किया जाए, ताकि जो है इंडस्ट्री को जो एक डूब रही है उसको कम से कम सहारा मिल सके और हमारी इकॉनमी जो है स्ट्रेंथन हो सके। मैं कई वर्ष से देख रहा हूँ कि हमारी कहीं ना कहीं लैक ऑफ पब्लिसिटी तो हमको माननी पड़ेगी। हालांकि हमारा जो पर्यटन विभाग है वो करता है पब्लिसिटी, बट दे आर डूइंग इट ऑन द ब्रॉडर साइड। जैसे वो अगर शिमला दिखाएगा ब्रॉडर उस पर दिखाएगा, तो उससे जो है वो शिमला तो लोगों को मालूम है मगर उसके अंदर करने के लिए क्या है, आसपास देखने का क्या, उसको भी जो है हमें भी अपना प्रयास भी करना पड़ेगा एज ए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, और सरकार से भी उसका थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ेगा, ताकि जैसे TTFs होते हैं और जगह जो जहाँ भी पब्लिसिटी का मैटर मिले वहाँ पर हर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसकी उपलब्धता कराई जाए उसकी इन्फॉर्मेशन की कि वहाँ पर क्या करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि टूरिस्ट आते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है जो टूरिस्ट आता है शिमला में वो जस्ट आता है एक रात ठहरता है
अगले दिन कुफरी जाता है, मारड़ घूमता है, वापस चला जाता है। तो ये बड़ा एक जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक नुकसानदेही चीज़ है। और जो इंडस्ट्री नुकसान सहन कर रही है उसका बड़ा एक अच्छा संकेत मैं आपको बता सकता हूँ कि होटल वालों को जो है होटल लीज पे देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो एक टेम्परेरी रिलीफ है क्योंकि अल्टीमेटली लीज वाला भी जो है वो कहाँ से पैसा निकालेगा जब वो इतने भारी भरकम खर्चे जो हैं फिक्स्ड, जैसे वाटर टैरिफ्स हैं और हाई टैक्सेशन है, तो वो उनके लिए भी जो है ये निकालना बड़ा मुश्किल है। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो जितने भी लीज होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि अब लीज मनी दे दी है उसको निकालने के लिए वो किसी भी रेट पे कमरा बेचते हैं, जिसका नुकसान सीधा और सीधा उन होटल वालों को होता है जो आप संचालित अपने होटल्स को संचालित कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको टैरिफ नहीं मिलेगा तो आपको जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, आपकी आमदन कम है। और इसी तरह से जो ये इस तरह से जो कंपटीशन क्रिएट हो गया, इससे जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर को भी डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसके ऊपर हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं और उसके ऊपर हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और बड़ी जल्दी जो मैंने आपको बताया कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिलेंगे और उनके समक्ष ये सारी समस्याओं को रखेंगे। जहां तक सवाल वाहन प्रवेश करने का है, मुझे नहीं लगता दैट इज ऑथेंटिकेटेड। वो तो सिर्फ ये है कि जितने भी वाहन शिमला में आ रहे हैं, जो भी उस शुगी के बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, वो उसी को एंटर करते हैं। अब वो सारे तो टूरिस्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली ये कह देना कि टूरिस्ट इतना आ गया तो मैं समझता हूँ वो कोई तर्कसंगत बात नहीं है। उसके ऊपर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि अगर वो इतना टूरिस्ट ही आ रहा है तो उसको कैसे ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको किया जाए। हमने कई सुझाव दिए भी हैं सरकार को, पुलिस विभाग को भी दिए थे, पर अभी तो उसको कोई ऐसा अमल नहीं हुआ। नहीं तो अदरवाइज जो है हमें देखना पड़ेगा कि इतना टूरिस्ट मेरे हिसाब से नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कहाँ जाता है वो टूरिस्ट। और एक जो अकोमोडेशन जो हमें सबसे बड़ी समस्या है कि दिन प्रतिदिन जो है B&Bs, होम स्टे और अदर माध्यम से जो है अकोमोडेशन बढ़ती चली जा रही है। हमारा जो शिमला शहर है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है और ओवर कैरिंग कैपेसिटी हो चुकी है। अब जो है इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन कैरिंग कैपेसिटी पड़ रहा है। इसमें कुछ सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे अंकुश लगाया जाए। जो लोगों ने होम स्टेज खोले हैं, B&B खोले हैं, होटल्स खोले हैं, अल्टीमेटली वो भी कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि जब हिसाब से खुलते चले जाएंगे उतनी मांग है नहीं है और आप जो है उतने अपनी अकोमोडेशन को क्रीज करते जा रहे हैं। तो इस बिंदु पे भी हम जो है सरकार के समक्ष इस बिंदु को भी टेक ओवर करेंगे, ताकि जो है एक होटल इंडस्ट्री जो अभी तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उसको दोबारा से जो है उसको वाइबल बनाने की कोशिश के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे सरकार के लेवल पर, उनकी मदद से ये काम होगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। News desk, NY Live.